हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अभी जस्ट Temperance. बॉटम में एट ऑफ कप्स। तो गाइज, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम के बोझ तले दबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, काम का हो सकता है या फिर और भी किसी वजह से वो बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो आपके साथ विश फुलफ़िल करना चाहते हैं, अपनी विश पूरी करना चाहते हैं। वो आपको बहुत अबंडेंट देख रहे हैं, बहुत बैलेंस देख रहे हैं आपको, और बहुत खूबसूरत मानते हैं वो आपको। मतलब आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा सैड हैं गाइस। इसमें फाइव ऑफ कप्स है, बहुत सैड है, बहुत सोच रहे हैं। तीन कप इनके सामने जो पड़े हुए हैं, देख रहे हैं उसको, पीछे के दो कप पे उनका ध्यान ही नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा सैड है गाइस। बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शन हैं। उन्होंने आपके साथ जो इनजस्टिस किया है वो उनको पता है, उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ये सेवन ऑफ सोर्ड्स अपराइट रिवर्स। तो इसलिए उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, और अब उस गलती को वो दोहराना नहीं चाहते हैं। अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, वो भी जस्टिस करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। विल ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि डिवाइन को उन्होंने सरेंडर कर दिया है, कि ईश्वर ही अब जो भी करेंगे सो करेंगे, और वो बैलेंस करने की उन्होंने जो चीटिंग की है उसको किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन से उस चीज़ को निकाल दिया जाए और बैलेंस हो जाए लाइफ में सब कुछ। और इसमें इनकी सहायता एंजल्स करते हैं, उनको भी नंबर्स दिख रहे होंगे और उनको भी साइंस और सारे सिंक्रोनिसिटीज़ आ रहे होंगे उनके अंदर, सब दिख रहे होंगे उनको। और बॉटम में जो एट ऑफ कप्स है, तो उनको कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी हैं, उनको लग रहा है कि आप उनको अब एक्सेप्ट नहीं करोगे उनकी चीटिंग की वजह से,
कभी कभी उनको लग रहा है इन सब झंझटों से छोड़ के मैं भाग जाऊँ कहीं पे, उनके ऐसी फीलिंग आ रही है। और उन आपके रिश्ते में उन्होंने जो थ्री पेंटिकल्स है इस बॉटम में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो इन्वॉल्व कर दिया है, इसका भी उनको बहुत दुख है और इस वजह से भी वो बहुत दुखी हैं। उनको लग रहा है मैं कहाँ फंस गया, मैंने ये क्या कर दिया, सब मैंने गड़बड़ जो कर दी है वो कैसे मैं ठीक करूँ, कोशिश में वो लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशान है। लेकिन वो डिवाइन का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का। अब ईश्वर ने अपने हाथ में ले ली है कमांड, तो एंजल्स बैलेंस करते हुए आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने की ओर उनको पुश कर रहे हैं। फिलहाल यही एनर्जी है और वो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे गाइस। तो अब देखते हैं कि अब एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, एंजल्स की तरफ से क्या एडवाइस है आपको। एक सॉन्ग है गाइस जो चैनल हुआ है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें, आप लोग सुन लीजिएगा। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं वेट, एंजल्स आपको वेट करने को कह रहे हैं गाइस। एंजल्स पे विश्वास रखें, सब कुछ सही होगा, वेट कीजिए। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, मेडिटेशन कीजिए, आपको सारे आंसर्स आपको मेडिटेशन के अंदर ही मिल जाएंगे। तो मेडिटेशन कीजिए, इस प्रकार से आइए देखते हैं एंजल्स ने आपको अच्छे मैसेजेस दिए हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको कुछ मैसेज अगर देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे। मैं देखती हूँ आपके लिए कुछ रैंडम मैसेज। मैं रैंडमली उठाऊंगी, ओके। पी इनिशियल, प्लीज फॉरगिव मी। तेरे बिन नामुमकिन अपना गुजारा है सॉन्ग, सैड एनर्जी है। मेरे जीवन में तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं, सभी लोग झूठे निकले, अब कोई नहीं है। मुझे पता चल रहा है सभी झूठे। आई लव यू, प्लीज़ मुझ पर थोड़ा तो विश्वास करो, मैं ज़रूर आऊँगा। फॉरगिव मी प्लीज़, फिर से फॉरगिवनेस के लिए आपसे कहा जा रहा है। मकर राशि, तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, सॉरी। सिंह राशि, वी इनिशियल, यू इनिशियल, जे इनिशियल, मेडिटेशन डियर, मेडिटेशन यहाँ भी आ रहा है, मेडिटेशन कीजिए आप लोग, मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। एम ए इनिशियल है, एक और बस। आई रियलाइज यू आर माई लाइफ, उनको रियलाइजेशन है कि वो आप उनके लाइफ हो। थैंक यू।